सो मेन जो ब्लॉक होता है उसके उससे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कैसे बनाना है वो मैं सिखा रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेस कर लिया, सेंटर लाइन लेके मार्क कर लिया है। ये 4 डॉटेड बेसिक ब्लॉक हमने बना के रेडी रखा है। यहाँ से हम इस तरह मार्क कर रहे हैं। सेंटर डार्ट भी हम क्लोज कर देंगे इस तरह। क्योंकि सेंटर डार्ट हमें सीलना ना पड़े इसीलिए। और अब ये शेप कर्व शेप आएगा। मार्जिन लेना बाकी है अभी तक। सो इस तरह करके हमने ट्रेस कर लिया। अब यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, देखो ट्रेसर की। आप लोग को शायद ना दिख रही है लेकिन मुझे यहाँ पे लाइन दिख रही है, कैमरे में नहीं दिखेगी। सो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का मार्क हो गया। अब इसमें हम मार्जिन दे देंगे। अब हमें ये वाला साइड का मार्क करना है। सो इसमें आर्म होल डार्ट क्लोज करेंगे, साइड डार्ट भी क्लोज करेंगे। इसको थोड़ा नीचे से रख देते हैं और अभी पिन लगा देती हूँ मैं। बिना मार्जिन के मार्क करते हैं पहले, ताकि मार्जिन हम बाद में एक साथ ऐड कर सकें। यहाँ से हल्का सा हमने तो लिया तो था शेप में, लेकिन हल्का सा कम ज़्यादा हो रहा है तो रीशेप कर देंगे। ये ट्रेसर से ट्रेस करना है। अंदाजे से लाइन नहीं खींचनी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमने कर्व लिया है। बस्ट पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब मार्जिन ले लेंगे। हाफ हाफ इंच मार्जिन हमें यहाँ चाहिए, नीचे 2 इंच मार्जिन हमें साइड में चाहिए। हाफ हाफ इंच यहाँ पे। ट्रेस करते हुए आपने वीडियो बनाया, ऐसे ट्रेस करते हुए वीडियो बनाया। अब हम यहाँ भी मार्जिन ले लेते हैं। नेक तरफ मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो? तो देखो इसमें हमने कुछ भी कट नहीं किया है। कुछ लोगों को लगता है कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में यहाँ से कट करने की ज़रूरत है, बट ये पैक नेक ब्लाउज है तो हम यहाँ से नहीं कट करेंगे। और नॉर्मल पैक नेक डीप नेक वाले में भी यहाँ से कट नहीं करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमेशा क्लोज या वी नेक में ही अच्छा लगेगा। सो हमने ये पार्ट ट्रेस किया, फिर ये पार्ट ट्रेस किया। आर्म होल डार्ट है अपर चेस्ट एंड चेस्ट के लिए, साइड डार्ट है फ्रंट एंड बैक के लेंथ के बैलेंस के लिए। तो दोनों को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए हमने इस तरह ट्रेस किया। इसको यहाँ से हमें छाप लेना है। इस तरह छाप के हमें नीचे मार्क मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे नॉच कॉलर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। आप अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो सेंटर फ्रंट डार्ट क्लोज ना करो तो भी चल जाएगा। और यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे कॉलर के लिए। और ये चीज़ कहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से मार्क करना है 8 इंच। 8 इंच नेक डेप्थ नॉर्मल रहेगी सारे साइज में।
और यहाँ से हम इस तरह कर देंगे। तो मैप कट करके बताती हूँ। हाँ तो इसका अभी नोट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने किस तरह से ट्रेस किया है, लेकिन किस तरह स्टेप बाय स्टेप पिक्चर क्लिक करके हम नोट्स बना देंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया बिना कटिंग, ये कैसे करना है इसका। एक बार साइड करो। तो ये इस तरह से दिख रहा है और यहाँ से ये शेप आया, लेकिन जैसे ही हम कप्स लगाएंगे तो ये शेप स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ हमारा चेस्ट है तो चेस्ट की वजह से ये शेप इस तरह से हो जाएगा। एंड पूरा कप्स का शेप आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो नॉच कॉलर वाला पार्ट है वो ऐसे चला जाएगा। इतना हमें डीप चाहिए होता है। एंड उसके बाद यहाँ से हमारी कॉलर लग जाएगी। कॉलर यहाँ से 2 इंच अंदर